पंचकों में गाड़ी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि वर्ष भर के जो मुहूर्त के कार्यक्रम होते हैं, सभी प्रकार के मुहूर्त या अध्यात्म ज्योतिष हो, हम अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आपके संशयों का छेदन करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, हो सकता आप भी उस विचार को कर रहे हो कि क्या पंचक के अंदर गाड़ी ले सकते हैं नहीं ले सकते। हालांकि पंचक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए मैं स्वतंत्र रूप से चर्चा कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनके माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पंचक में गाड़ी खरीदे ना खरीदे, आप इसके उत्तर को खुद समझ लेंगे। क्योंकि वाहन जब हम खरीदते हैं, क्योंकि नक्षत्रों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है कि कौन से नक्षत्र के अंदर क्या काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उसमें जो नक्षत्र हैं, जैसे वाहन खरीदने के जो मुहूर्त हैं, मुहूर्त संबंधी, जैसे मुहूर्त चिंतामणि है और भी जो मुहूर्त के ये परंपरागत मुहूर्त है, जो भी मुहूर्त के अन्य पुस्तकें हैं, अन्य शास्त्र हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सभी लघु नक्षत्र में, उसके अलावा जैसे कि ये अश्विनी है, हस्त है, अभिजीत है, पुनर्वसु है, शतमिषा है, रेवती है, चित्रा है, अनुराधा है, यहाँ पे बहुत सारे नक्षत्रों का उसमें, तो सभी लघु नक्षत्र में और सभी चर नक्षत्र में, क्योंकि चर गाड़ी तो चलने के लिए लेते हैं ना हम लोग, तो चर नक्षत्र का इसमें, तो ऐसे या मित्र और मैत्र नक्षत्रों के अंदर हम जो है इसको ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए, मैत्र नक्षत्र में कौन कौन से आते हैं, मृगशिरा है, रेवती है, ठीक है। यहां पर चर नक्षत्र में धनिष्ठा भी आ रहा है और धनिष्ठा पंचक में आता है, बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद जो मैत्र नक्षत्र, उसमें रेवती है, रेवती भी किसमें आता है, पंचक में आता है। तो अब आप ये विचार करें कि जब ये नक्षत्र पंचक में आ रहे हैं और इसी में गाड़ी खरीदने के लिए कहा गया है, तो फिर कैसे लोग ये ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पर कि जब हम गाड़ी खरीदे तब पंचक नहीं होना चाहिए। भैया, यूट्यूब से वीडियो देखकर यूट्यूब पर ज्ञान पेलना ये तो बहुत सरल है और बड़े अच्छे उनके वहां पर व्यूवर्स भी हैं, लेकिन लेकिन वो जो उस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सिर्फ भ्रमित हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी आप YouTube पर, आपने बहुत सारी वीडियो आपने भी देख ली होगी, और नहीं है तो आप एक बार देखो जाकर, जो मुहूर्त का ज्ञान दे रहे हैं कि गाड़ी कब खरीदें कब ना खरीदें। तो मुझे, क्योंकि मुझे एक दो लिंक भेजे लोगों ने, मैंने जिनको मुहूर्त निकाल कर दिया उन्होंने वहां से लिंक भेजा, कहा गुरु जी ये तो कह रहे हैं कि पंचक में गाड़ी नहीं लेते हैं, तो अब इनको कैसे बताया जाए कि जो पंचक का मुहूर्त, जो वाहन खरीदने का मुहूर्त है उसका नियम क्या है। भैया उसको फॉलो करो ना, आपके पास कोई शास्त्रीय प्रमाण भी तो होना चाहिए। बस नेट गूगल पे सर्च कर लिया, इधर यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल दिया, इस दिन गाड़ी खरीदने का मुहूर्त है, जबकि उसके लिए कोई विधान नहीं है। जबकि आपकी राशि के अनुसार, लोग कह रहे हैं कि राशि के अनुसार बता रहे हैं, राशि के अनुसार उसको देखे तो कौन सा आपके जो है चंद्रबल है, जो सूर्य बल है, ये मुहूर्तों के अंदर देखे जाते हैं। और वैसे भी लग्न का तो बड़ा महत्व है, सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न सुद्रियता भवे, ये तो शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, पंचक के अंदर आप गाड़ी ले सकते हैं। आपको मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहती है, हर महीने के हिसाब से भी आपको मुहूर्त मिलते हैं और पूरे वर्ष भर के भी मिलते हैं, इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे मुहूर्त अपनी राशि के अनुसार और एक अच्छे लग्न का आप चयन करें और गाड़ी खरीदिए। आपको बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद।